वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं हरसिमरत सिंह थोड़े अगे एक होर वीडियो लेके हाजिर होया जी। अज जी आप वीडियो लेके आए हैं जी, वटामल दस्तार की वीडियो है, सुक्की पग है 6 मीटर की। उम्मीद करते हैं वीडियो थोड़ा बदल लगेगी। जेकर तुम इदा ही दस्तार सीखना चाहते हो, बहुत ही सौखे तरीके आप पूरा एक्सप्लेन करके दसिया, प्लीज़ एंड तक जरूर देखना। जेकर तुम मैंने इंस्टाग्राम से फॉलो नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हो, उत्थे साडे नाल डायरैक्ट गलबात कर सकते हो, DM करके तुम जिस भी तरीके गलबात करना चाहते हो। कि बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला जी आपने पहला लड़ सिर के उत्तों लैके आना, जमा खोल लेना पहले सेंटर चो। खोलन तो बाद आप अग्यों वाल दी फड़ के थले लड़ को खिंचना, ता जो हल्के हल्के वट बन जाए। ये वट बनाने का बहुत ही सौखा तरीका, जिन्ने वट बनते हैं बना लो, ज़्यादा भी बना सकते हो घट भी बना सकते हो, थोड़े पर डिपेंड है। जे कि टाइम ज़्यादा तो ज़्यादा बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। उस तो बाद उत्तों की लड़ को लैके आना, लड़ को लियान तो बाद उत्तों की हल्का जहा पिंच करन तो बाद आपने उत्तों की पहला सैट कर लेना, ता जो अपने पिछों भी पल्ले जो सैट आन। तो हूँ आपने जोड़ा सेंटर विचों खिंच के इनू पिंच कर करके वट बनाने, उस तो बाद हल्का जहाँ दबा के पिंच कर लेंगे। पिंच करने तो बाद जो अपने वट बनाए थे आपने, हूँ बिल्कुल तरीके सैट करा। तो जिस तरीके सैट करना चाहे उस तरीके कर सकते हो। वैसे आप हाथों कर रहे हैं, कई वीर जी पग पीन की वरतों करते हैं बाद पग बनने तो बाद, तो वह भी ठीक है। बट पग पीन यार कई बार जोड़े लड़ा में मतलब धागे निकल आते हैं, तो तुम हाथों करो स्टार्टिंग तो ज़्यादा बैटर है। हुण बैक साइड तो फिर पिंच करना है, पिंच करने बाद फिर उत्तों की फिर लड़ा आजूगा, उत्तों की लड़ आऊगा। तुम देख सकते हो ऑलरेडी अपने सेंटर में वट बने हुए हैं, बस अपने इन्हों कट्ठा करके पिंच करना है। कट्ठा किवें करना तुम देख सकते हो, कट्ठा करने तो बाद आप पिंच करना। हुण जिहड़े अपने वट ने तुम देख सकते हो थले जिहड़े अपने लुक गए हैं, तो हुण आप किवें सैट करांगे थल्यों की लड़ को। पहले आप पूरा खोलना, खोलन तो बाद अपने ऑटोमैटिकली जिहड़े वट बने होणगे, बस इन्हू लड़ नू हल्का जिहा सेंटर च प्रेस करके लगा लेना, ऑटोमैटिकली वट बन जाएंगे। तो जी आप थले केसकी बनी है, हल्का जहा बेस बनाया, यदा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जूगा वीडियो का। वैसे यह थोड़ा नॉर्मल पटका बने हुआ, अपने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है ये, तो कोई एक्सट्रा बेस नहीं आप यूज़ करते। तो बाकी काफ़ी वीर के कहते वीडियो है, क्योंकि काफ़ी वीर हाले भी प्रॉब्लम्स आदि सी कि जोड़े वट नहीं पेंदे, तो शेप भी जी नहीं बनती। तो यह वीडियो देखने तो बाद काफ़ी जो सुधार होगा दस्तार में। तो जिन्ना हो सकता उन्ना प्रैक्टिस करो वीर, कल वीडियो देखने कुछ नहीं होंगे, तुसी प्रैक्टिस करो तो जिनी गलबात असी साढ़े ना हो सकती है करो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े नाल जरूर आप। बाकी इंस्टाग्राम से मैसेज कर सकते हो जेकर कोई चीज़ ना समझ लगे। हुण आप चलते हैं जी चौथे लड़ वल, वो भी पहला पिछों जिवें पिंच किया सुदा लैके आना, लियाने तो बाद आप उत्तों की लैके आना लड़न। पहला जो अपना पला है उन्होंने बैक साइड तो फोल्ड करना है, तो जो अपनी जी शेप दस्तार की दोनों साइड तो वधिया आए। सेंटर में कोई पिंच करना है बटा, पिंच करने बाद जो अपने वट ने उन्होंने फिर सैट कर लेना, फिर लड़ने दबा के पिंच करना। पिंच करने तो बाद आपने जो इनू सैट करना नाल दे नाल जड़ चो। तो जेकर थोड़ा लड़ उरे आके खराब भी हो जाता, तो वीरे तुसी प्रैक्टिस करो, क्योंकि चौथे लड़ते आके काफ़ी वीर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज़्यादा मोटा आता कई लड़। तो प्रैक्टिस करो वीरे जिनी हो सकती है। हुण आप लगा लेना जी हल्के हल्के वट बना के, देख सकते हो तुसी सोहनी दस्तार अपनी जी तैयार हो रही है। बाकी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है दस्तार में, जो मैं चाहवा तो वीरे 2 मिनट 5 मिनट मैनू ज़्यादा नहीं लगते 5 मिनट तो, तो थोड़ा मैं स्लो स्लो बनता हूँ वीडियो में, क्योंकि थोड़ा कली कली गल दसनी होंगी है, तो जो जल्दी जल्दी मैं लड़ लगा तो काफ़ी गल्ला जी कवर नहीं हो पाया। हूँ आप बाज नाल फेरी जाना, ज़्यादा वट नहीं मैं बनाता, मैंने यार ज़्यादा वट बनाने नहीं बदल लगते, नॉर्मली वट बना। मैंने स्टार्टिंग से बहुत शौक हूँ मैं ज़्यादा वट क्ढा दस्तार में, बट हूँ मैं नॉर्मली शेप से ध्यान दिना, क्योंकि शेप सोहनी होनी चाहिए दस्तार की, वट तो बाद भी बन जाते हैं। तो हूँ तुम देख सकते हो अपनी 4 लड़ लग चुके हैं, तो शेप सोहने तरीके तैयार हो रही है। हूँ आप जी 5वां लड़ लगाना, जो कि अपनी पग का आखिरी लड़ है, इस तो बाद जो अपना कलगी लड़ लगेगा। तो जो हूँ आह लड़ लगेगा ये अपन दस्तार की जी पूरी शेप बनानी है। बाकी आई होप वीडियो थोड़ा अच्छी वजह लगेगी, जो वीडियो वजह लगती है वैसे तो कहने की लड़ नहीं है वीरे, तुम आप ही शेयर कर देंगे हो, बट थोड़ा जहा शेयर कर दिया करो, ज़्यादा नहीं, एक दो बंद शेयर करो जे थोड़े रिलेटिव मतलब है जो दस्तार बनते हैं, तो जिन्होंने प्रॉब्लम्स होनी है उन्होंने जरूर एक बार रिकमेंड कर दिया करो। हूँ आप 5वां लड़ पहले सेंटर च फड़ना, इस भी जो वट बनाना चाहो तो बना सकते हो, मैं एक दो वट बनाऊंगा ये, क्योंकि थोड़े बहुत बनाना चाहो तो बना सकते हो, मर्जी है वीरे थोड़ी, सीधा पला भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। 5 लड़ा की दस्तार मैं इसलिए बननी है, क्योंकि यार काफ़ी वीर जो अपने अज भी 5 लड़ा की दस्तार बनते हैं, 6 लड़ा के भी बनते हैं, बट 5 लड़ा की ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि छोटे तो छोटा वे तो व्डा वीर जो बनता है, तो करके मैं 5 लड़ा की दस्तार की वीडियो लैके आया। बाकी 6 लड़ा की पग की भी सेम ही मैथड होगा, जो तुम बनना चाहो इदा की दस्तार, तो बस एक लड़ बधा लो। तो हूँ आप बैक साइड तो थोड़ा जहा दबा लेना लड़ने, तो जो अपनी दस्तार की शेप जी फ्लावर आए, तो बैक साइड तो भी शेप बने। हूँ आप
लास्ट लड़ जो सैट करना उस तो पहले आप पूरी दस्तार सैट करा बाकी दस्तार की शेप तुसी देख सकते हो नॉर्मली आप जितनी चाहिए होंगी मिल गई है। जेकर तुसी इनू फ्लावर विच करना चाहो तो बाहर नू कट सकते हो जिवें हुण मैं हल्की जी कटी सी बाकी मैं अपने फेस के अकॉर्डिंगली रखदा हुंदा वीरे शेप दस्तार की तो तुसी अपने फेस के अकॉर्डिंग रख सकते हो नो प्रॉब्लम। हुण आपां जिहड़े बटन इन्हां नू सैट करना बाहर इन्हां वैसे मैं ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करता हुंदा बटन विच नॉर्मली तरीके नाल दस्सी रहा तुहानू जो कि सौखा तरीका हुंदा जिहड़े अपने लड़ खराब भी हो जाते हैं वीरे बाद विच सैट हो जाते हैं मेन तुसी जिहड़े दस्तार की शेप हुंदी है उहदे वल गौर करनी है स्टार्टिंग तो लैके एंड तक। बाकी उरे आकर तुसी जिहड़ी पग पिन की वरतों कर सकते हो जेकर तुसी चाहो तो वैसे मैं नहीं करता ये क्योंकि मैनू वधिया नहीं लगता वीरे पग पिन वट बनाना क्योंकि कई बार मैं देखा बना के तो यार धागे निकल लग जाने दस्तार विचों तो वो चीज़ काफ़ी मैनू खराब लगी ता करके। बाकी ये भी गल हैगी कि पग पीन का भी तरीका होंगे मारन का बाकी शेप तुम देख सकते हो सोहने तरीके तैयार हो चुकी है बाकी पसीना बहुत आता पाया यार उदन जिदन एक वीडियो बनाई है मैंने बहुत ज़्यादा मतलब पक्खा भी नहीं जिते खड़ के मैं वीडियो बनाई है बालकनी जाके तो हाँ गर्मी इन्नी सी बारों की धुप्प भी आ रही थी और मैंने चलो थोड़ा जहा दरवाजे के अगे लाता से कुछ ता करके इन्नी धुप्प नहीं फेस से पई क्योंकि आप बरांडे के खड़े हुए हैं लाइटिंग पूरी आ रही है। बाकी वीडियो क्वालिटी किदा नहीं लगी कमेंट करके जरूर दसना पहले ना सुधारने की कोशिश की है चाहे गर्मी खड़ जाएंगे बट थोड़े लिए यार कॉन्टेंट वधिया लैके आना हूँ आप जे बैक साइड तो भी सैट कर लेना तो हूँ अपना जो लास्ट लड़ आ जाएगा कलगी वाला लड़ तो काफ़ी वीर यार नैगेटिविटी फैलाने लग गए हैं अपने चैनल पर मैंने इस गल की समझ नहीं लगती वीरे कि मैं दस्तार की वीडियोस पाँगा तो पता नहीं क्यों यार मतलब हर कोई नैगेटिविटी फैलाने लग्या हो कि तुसी दस्तार की वीडियो में तो वीरे बख्श दो कोई जो मेरे तो गलती हुई तो मैं माफ़ कर दो जो मैं कुछ गलत बोल गया कई वीर कहते हैं तू गाना कढ़ना है मैं वीरे गाना कढ़दा सीधी जी गल है बट मैं वीडियोस चला नहीं कढ़दा जो गाना तुसी क्यों नहीं कढ़दे होगे मैं दसो कौन नहीं गाना कढ़दा हरेक की पर्सनल लाइफ है यार अगला जो मर्जी करे एक मैं थोड़े अगे जो चीज़ शेयर मतलब शेयर करदा तुसी वो देखो यार बट किसी की पर्सनल लाइफ वाल ना जाओ तो वीडियोज़ में मैं यही कहना चाहता तो शेयर तुसी देख सकते हो दस्तार दे सोहणे तरीके नाल तैयार हो चुकी है तो बाकी वीरे मैं यही कहना चाहूँगा यार कोई बंदा किसी जज नहीं कर सकता तो जे कोई भुला गलतियाँ हो गई तो वीरे माफ़ करना। हाँ जी मैं ये कह सकता तुम मेरे से जड़ी भी कमी है दसो यार मैंने कोई दिक्कत नहीं है बट यार इदा नैगेटिविटी भी ना फैलाओ कि बंदा मतलब डीमोटिवेट होता जाए वैसे मैं डीमोटिवेट हों नहीं हाँ जो होना होता तो मैं स्टार्टिंग ही हो जाता क्योंकि मैंने नैगेटिविटी अज्द नहीं मिलती शेप तुम देख सकते हो सोहने तरीके तैयार हो चुकी है यह दस्तार मैं हूँ घर भी बन के दिखा हूँ मतलब रोज़ ही बनता हूँ ज़्यादातर दस्तार पहला मैं परना टाइप बनता से हूँ मैं ये बनने लग गया तो जिमें दस्तार जी मतलब रोज़ बनी जाओगे थोड़ा हाथ ऑटोमैटिकली बैठता जाएगा तो जेकर थोड़ी दस्तार की शेप रोज़ अलग आँदी है तो मैं जरूर दसना कमेंट करके कि थोड़ी दस्तार की शेप रोज़ रोज़ अलग आँदी है तो यदा की सोल्यूशन है मैं ये एक लैदी वीडियो बनाऊँगा। बाकी दस्तार अपनी कंप्लीट हो चुकी है जी हूँ आप सिर ढक लेना बाकी नॉर्मली यार शेप है पाँच लड़ा वाली देख सकते हो मेरे फेस से किमें सही लग रही है बिल्कुल बनी हुई ना ज़्यादा वड्डी लग रही है तो ना ज़्यादा छोटी लग रही है। बाकी आ अपनी दस्तार की लुक है जी बाद में आप थोड़ा जूम करके बनाई सी क्योंकि उदा पता नहीं लगता पाया जे कोई भुला गलती हो गया वीरे मैं फिर दस देना मैं माफ़ कर देना छोटा भरा समझ के क्योंकि काफ़ी कुछ बोलया जाता यार मतलब वीडियो में तो जल्दी मिलते अपना नवी वीडियो लैके जेकर वीडियो वधिया लगी तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना धन्यवाद।